हेलो फ्रेंड्स, चलिए बिगिन करते हैं अपना 15th लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मेजोलिथिक साइट्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पैलियोलिथिक साइट्स बता चुका हूँ, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आता है इंपॉर्टेंट, वो है मेजोलिथिक साइट्स। सो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दी मेजोलिथिक साइट्स, व्हाट इज मेजोलिथिक। मैं इस पे एक लेक्चर कवर करूंगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज जस्ट अ मिडल पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाउ इज इट अ मिडल पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। एंड आपको बस इसमें यही बताना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी पैलियोलिथिक और से नियोलिथिक पीरियड में, वो मेजोलिथिक पीरियड में हो रही थी। जैसे जैसे टूल्स जो थे वो स्मॉल होते जा रहे थे, और माइक्रोलिथ्स जहां पर भी मिलेंगे उस पीरियड को आप मेसोलिथिक पीरियड से करस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ फूड जो है वो डोमेस्टिकेशन थोड़ा शुरू होने लग गया था इस टाइम में, राइट? डोमेस्टिकेशन ऑफ फूड हैबिट्स, आप कह सकते हैं कि एनिमल और प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन बिगिन होने लग गया था इस पीरियड में। मैंने आपसे ये पैलियोलिथिक जो चैप्टर डिस्कस करा था, ये 13th लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने आपसे पहले लियोलिथिक पीरियड डिस्कस करा था। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी अबाउट ऑल द फाइव पीरियड्स। फाइव क्या? लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ठीक है? ये फाइव पीरियड्स। और मैंने उसमें आपको बताया था कि डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल का, वो बिगिन हो गया था कुछ प्लेसेस पे। उसके साथ साथ आपको पॉटरी ज्यादातर तो एबसेंट थी, लेकिन दो साइट्स हैं जहां पर आपको पॉटरी भी मिलेगी, ठीक है? दो साइड्स, एक लंखनाज है। लंखनाज कहाँ पर है? लंखनाज है गुजरात में। उसके बाद है कैमूर रीजन है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी आपको पॉटरी मिली। तो दो जगह पे पॉटरी का बिगिन भी शुरू होने लग गया था। उसके साथ साथ आप देखेंगे थोड़ा सेटलमेंट भी शुरू हो गया था, थोड़ा सा सेटलमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद थोड़ी बरियल प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई थी। बरियल प्रैक्टिसेस आपको उत्तर प्रदेश में जो रीजन है, सराय नहर राय, महादहा साइट्स हैं, राइट? एक है दमदम साइट है, तो वहां पर आपको ये बरियल प्रैक्टिसेस वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन और वाइस वर्सा में आपको दिखेंगे, ठीक है? तो ये बिगिनिंग शुरू हो गई थी इस मेसोलिथिक पीरियड में। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि होलोसीन पीरियड शुरू हो गया था, ठीक है? होलोसीन पीरियड जो 10,000 साल पहले, 0.01 बिलियन ईयर्स जिसे कहा जाता है, या 10th, आप इसको 10th के ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है? ये पीरियड भी, होलोसीन पीरियड भी शुरू हो गया था इन द मेसोलिथिक टाइम। और पैलियोलिथिक में कौन सा पीरियड था? प्लिस्टोसीन पीरियड था, ठीक है? तो होलोसीन पीरियड भी मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया, इसलिए इसे मिडल पीरियड कहा जाता है। पहले सिर्फ दो ही पीरियड्स थे, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, लेकिन मेसोलिथिक बीच में लाया गया पीरियड, राइट? चलिए अब एक बार हम 10 साइट्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये 10 मेन साइट्स रहेंगी, और बाकी जो साइट्स रहेंगी वो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल में सेपरेटली डिस्कस करूंगा, राइट? तो चलिए 10 साइट्स देखते हैं हम ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है लोतेश्वर। दिस इज लोतेश्वर, ठीक है? दिस इज लोतेश्वर। उसके बाद एक और साइट जो है वो भी गुजरात में ही है, वो है रतनपुरा। अब काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी लोतेश्वर है, कौन सी रतनपुरा है। इसकी टेक्निक ये है कि जो ऊपर है वो एल से शुरू हो रही है, वो पहले आता है, तो लोतेश्वर पहले और रतनपुरा बाद में, राइट? उसके बाद हम चलते हैं यहीं पे गुजरात में, अभी साउथ इंडिया में बाद में जाएंगे। गुजरात नहीं है, ये राजस्थान है, और ये है बागोर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है, बागोर नाम है इसका, ठीक है? ओके, सो उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में, जो ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग साइट्स हैं। ज्यादा जो प्रोमिनेंट साइट है वो आदमगढ़ है, तो अगर आपसे यहाँ पर साइट आती है आसपास तो आदमगढ़ ही लिख दीजिए। हाँ, भीमबेट का भी उसका आंसर हो सकता है, लेकिन आदमगढ़ के चांसेस ज्यादा हैं, और दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, सो आदमगढ़ है। और ये ऊपर जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज भीमबेट का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भीमबेट का भी हो सकती है। सो भीमबेट का, आदमगढ़, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, सराय नहर राय, महादहा और दमदम, ठीक है? और उसके साथ साथ चुपानी मंदो भी है,
और दो और साइड्स भी हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा इतनी इंपॉर्टेंट में। ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर इशू क्या है, ये सारी साइड्स बहुत ही क्लोज क्लोज है, तो इसमें हमें थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो मैंने साइट मेंशन कर रखी है, ये सराय नहर राय है, और ये यूपीएससी की वन ऑफ द फेवरेट साइट्स है, इसलिए मैंने सराय नहर राय आपको बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाली साइट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, और ये है पैसरा, ठीक है, ये पहले लियोलिथिक साइट भी है पैसरा। उसके बाद ये जो साइट है, ये भी वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, और इसको बोलते हैं बिरभानपुर, बिरभानपुर। तो आठ साइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जितना भी रीजन है ना, अगर यहां पर साइट्स दे रखी हैं तो ये मेजोलिथिक साइट्स नहीं है, क्योंकि इस रीजन में आपको मेजोलिथिक साइट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। इस रीजन में आपको चालकोलिथिक साइट्स काफी मिलेंगी, मेजोलिथिक साइट्स आपको नहीं मिलेंगी इस रीजन में। इवन आप ये वाला भी रीजन एक्सक्लूड कर सकते हैं, इधर भी आपको मेजोलिथिक साइट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए भिरभानपुर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एक अलग से साइट प्रेजेंट है। इसलिए यूपीएससी देखिए काफी बार उत्तर प्रदेश की साइट्स नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। और अगर आती है कोई साइट तो आप ऑब्लिक करके देख सकते हैं कि सराय नहर राय, दमदम, और कौन सी, एक और जो इम्पोर्टेंट साइट मैंने अभी आपको बताई थी वो थी महादहा, ठीक है। अब आते हैं साउथ इंडिया में जो दो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। पहली साइट ये यहाँ पर जो दे रखी है, दिस इज तेरी साइट, तो ग्रुप ऑफ साइट्स है यहाँ पर, दिस इज तेरी साइट्स। अब मैं डिस्कस करता हूँ एक और साइट, वो है ये वाली, ठीक है, इसका नाम है तेनमलई। सो दोनों टी से हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप, तेनमलई, दिस इज तेनमलई। सो ये थी फ्रेंड्स आज की 10 साइट्स। अगर आपको, देखिए अगर आपको डिस्ट्रिक्ट याद है तो अच्छी बात है, वो आप मेंशन कर देना डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट 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 स्लाइड पे मैं लिखता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना होता है, देखिए अगर ये याद नहीं है आपको तो स्टेट लिख देना। उसके बाद बाकी जो डिस्क्रिप्शन है हर साइट का, देखिए अलग अलग है डिस्क्रिप्शन, स्पेशली काफी जो एक्सकेवेटेड साइट्स हैं लाइक सहराय, नहर राय, बागोर, इनका डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा है। भीमबेट का भी डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन याद नहीं हो रहा, तो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस करा है अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड, वो आप डिस्क्रिप्शन सब साइट्स में लिख सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर आप अपने और भी फ्रेंड्स से शेयर करिए, और प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, और इस ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।